बाप और बेटी का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन इस कलयुग ने इस रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है। समाज और मानवता इतनी ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी है कि ये रिश्ता भी कलंकित हो चुका है। बात कर रहे हैं हम बिहार की। यहाँ पर अब एक पिता होता है और उसकी दो बेटियाँ होती हैं, जिनको वो बारी बारी से ओयो होटल में ले जाता है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और ऐसा वो लगातार 2 सालों तक करता रहता है। जैसे ही उसकी मदर को पता चलता है तो उसे रंगे हाथे पकड़ने के लिए प्लानिंग बनाती हैं, और फिर से जब वह अपनी बड़ी बेटी को ओयो होटल ले जाता है तो वहाँ पर उसको रंगे हाथे पकड़ा जाता है। और इस घटना को सोशल मीडिया में आने के बाद लोग सोचने लगे, हैरान हो गए कि आखिर कैसे जो बाप और बेटी का जो पवित्र रिश्ता होता है, और समाज में ऐसे दरिंदे हैं कि इस रिश्ते को भी नहीं छोड़ रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं नीलेश पटेल, और आज की जो सच्ची घटना है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ये है बिहार का एक जिला लगता है मुंगेर, और उसी का एक इलाका है जमालपुर थाना। जमालपुर थाना का ये केस है। दरअसल होता यह है कि 18 नवंबर की दिन होता यह है कि बड़ी बेटी अपनी मदर को बताती है कि पिता मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, बाहर ले जाते हैं। तो मदर फिर प्लानिंग बनाती है कि आखिर इस बार, क्योंकि मदर का जो सब्र का बांध टूट जाता है, इससे पहले भी उनकी बेटियां मदर को बताती हैं, लेकिन बदनामी के डर से मदर जो है, उनकी मम्मी है अंजलि से, ये किसी को नहीं बताती। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है वो आप जान लीजिए। जो आनंद सिंह हैं, ये है 2009 के CRPF का रिटायर्ड ऑफिसर जवान हैं, और 2009 में ये रिटायर्ड हो जाता है। 45 वर्षीय इसकी उम्र है और इसकी 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी है 18 साल की और एक है 17 साल की। दोनों ही बेहद खूबसूरत इसकी बेटियां हैं। अब करता है क्या है ये कि पहले तो ये घर पर ही संबंध बनाता था, लेकिन घर में कलह होने लगती है, तो उसके बाद ये जो आनंद से है, जो पिता है, ये प्लानिंग बनाता है और बेटियों को घुमाने के लिए बाहर ले जाता है और होटल बुक करता है। कमरा पहले से ही इसका बुक रहता है, वहाँ पर ये ले जाता है और ज़बरदस्ती उनके साथ संबंध बनाता रहता है, और इस तरीके से पूरे 2 साल निकल जाते हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया कि 18 तारीख को बड़ी बेटी उसकी बताती है कि पिता मेरे साथ ये करते हैं, और उसकी छोटी बहन से भी पूछा जाता है तो वो भी बताती है कि मेरे पिता मेरा शारीरिक संरक्षण करते हैं, बाहर घुमाने ले जाते हैं और वहाँ पर संबंध बनाती थी। अब जब होटल वालों को क्या जानकारी देता है, कई बार क्या करता है, स्टेशन के आसपास ही रूम देख लेता है और वहाँ पर ले जाता है। चूँकि ID में उसके CRPF का जवान लिखा रहता है और जो बेटी रहती है, तो यानी बाप और बेटी का संबंध रहता है, तो आसानी से उसको कहीं भी रूम मिल जाता है। तो इस तरीके से पूरा हावस का खूनी खेल उसके पिता खेलते रहते हैं। और जब मदर को फिर से बताती हैं, हालांकि इससे पहले ही 1 साल पहले उनकी बेटियां बता चुकी थी कि पिताजी मेरे साथ ये गंदी हरकतें करते हैं, लेकिन इस बार उनकी मदर ने सोच लिया था कि इस बार हम लोग पिता जो है आनंद सिंह है, उसको रंगे हाथों पकड़ना है। तो प्लानिंग बनाते हैं, और जब बड़ी बेटी को वो फिर से बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और एक होटल में ले जाता है, तब वहाँ पर अपने जो फैमिली मेम्बर्स हो गए और जो अंजलि जिनका जो मदर है, वो जाती हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ती हैं। हालांकि रूम अंदर से लॉक रहता है, तो वो वेंटिलेटर से देखती हैं तो आपत्तिजनक अवस्था में पाए जाते हैं। तब पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है और चप्पलों से खूब पिटाई की जाती है उस फादर की, और पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया और गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पहले ही दृष्टि में जो आरोपी है वो है आपत्तिजनक अवस्था में पाया गया। प्रथम जांच में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, इसकी कार्यवाही चल रही है, और उनकी मदर का कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इस दरिंदे को। और जैसे ही यह खबर पूरी सोशल मीडिया पर, अखबारों में छपी, तो सभी हैरान है कि आखिर इतना पवित्र रिश्ता को कैसे समाज में व्याप्त दरिंदे इसको तार तार कर रहे थे। आपको यह घटना बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि सतर्क रहिए, सचेत रहिए। जय हिंद।